गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चलिए, बहुत अच्छा। एक मिनट देख लेता हूँ, कैमरा चल रहा है। एक मिनट। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चल रहा है। कल भी वीडियो शूट किया था बट कैमरा ऑफ हो गया था। चलिए देखिए, अभी तक हम लोगों ने रिफ्रैक्शंस में प्लेन सरफेस रहता था, प्लेन, तब रिफ्रैक्शंस पढ़े। अब कर्व सरफेस रहेगा तब रिफ्रैक्शंस पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रिफ्लेक्शन में, परावर्तन में, रिफ्लेक्शन में पहले हम लोग प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्शंस पढ़े, जो कि प्लेन मिरर वाला बात आया था। उसके बाद कर्व सरफेस पर पढ़े, जो कि स्फेरिकल मिरर आया था। आया था कि नहीं आया था? उसी टाइप से हम लोग रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस पर पढ़ चुका, अब कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शंस पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वही कर्व सरफेस की हेल्प से, उसी कर्व सरफेस के हेल्प से लेंस बनाया जाता है, मीन्स डैट रिफ्रैक्शंस थ्रू कर्व सरफेस पढ़ने के बाद तब ज्ञान आएगा हम लोग को लेंस बनाने का। रिफ्रैक्शंस थ्रू कर्व सरफेस लेंस का आधा है, कोई भी लेंस है उसका आधा काम करता है वो। उसके बाद उसी को दो कर्व सरफेस को जब मिला देते हैं तब बनता है लेंस। तो पहले एक कर्व सरफेस के बारे में हम लोग ज्ञान ले लेंगे, उसके बाद दो कर्व सरफेस का ज्ञान लेंगे जो लेंस कहलाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले एक कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शंस को देखेंगे। जैसे रिफ्लेक्शंस को देखते थे तो क्या बनाता था? इमेज बनाता था, रिलेशंस निकालते थे हम लोग, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ के बीच। उसी टाइप से सारा चीज इसमें भी होगा और देखेंगे। कृपया बने रहिए, आप लोग मन लगा के पढ़िए। तो टॉपिक्स आया रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल, जहाँ स्फेरिकल रेखा या कर्व, बोथ आर सेम, स्फेरिकल कहें या कर्व कहें, दोनों एक होता है। ओके, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल और कर्व सरफेस, गोलीय या वक्र सतह द्वारा अपवर्तन, गोलीय रहेगा एकदम पूरा या वक्र सतह रहेगा, टेढ़ा सतह रहेगा, तब हम लोग रिफ्रैक्शंस को पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना है। तो देखते हम लोग स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, गोलीय या वक्र अपवर्तक सतह। गोलीय या वक्र अपवर्तक सतह किसे कहते हैं? द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, द रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच इज द पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट स्फेयर। फिर से सुनना, द रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच इज द पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट स्फेयर इज कॉल्ड स्फेरिकल और कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, हिंदी में, हिंदी वाले, वैसा अपवर्तक माध्यम, वैसा अपवर्तक माध्यम, अपवर्तक माध्यम मतलब जहाँ अपवर्तन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, नहीं, वैसा माध्यम जहाँ अपवर्तक अपवर्तन हो सकता है या रिफ्रैक्शन हो सकता है, उसको हम लोग अपवर्तक माध्यम कहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनना है, वैसा अपवर्तक माध्यम जो पारदर्शी माध्यम वाले, जो पारदर्शी माध्यम वाले गोले का भाग होता है, गोले का भाग होता है, उसे गोलीय
या वक्र अपवर्तक सतह कहते हैं। मान लो यह पारदर्शी स्फेयर है, ट्रांसपेरेंट स्फेयर है, पारदर्शी गोला है, यानी इसमें लाइट पास कर सकता है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग पारदर्शी गोला है। इसको कट कर दिए तो एक भाग ये आया, दूसरा भाग ये आया, बहुत सारे भाग में कट कर सकते हैं। अब जो ये कट कर दिए यही कहलाएगा कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या कहलाएगा ये? कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस। देखिए वैसा अपवर्तक माध्यम, इसमें रिफ्रैक्शन हो सकता है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम का पार्ट है। वैसा अपवर्तक माध्यम, ये दोनों हो गया, वैसा अपवर्तक माध्यम जो पारदर्शी माध्यम वाले गोले, जो पारदर्शी माध्यम वाले गोले का भाग होता है उसे गोलीय या वक्र अपवर्तक सतह कहते हैं। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया फिर से देखो, पढ़ो डेफिनेशन। वैसा अपवर्तक माध्यम, मतलब यहां देखो ये और ये, वैसा अपवर्तक माध्यम जो पारदर्शी माध्यम वाले गोले का, पारदर्शी माध्यम वाले गोले का भाग होता है, इसी का पार्ट है ना, बहुत सारा पार्ट हो सकता है इसमें, भाग होता है उसे गोलीय या वक्र अपवर्तक सतह कहते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए ये है इसका इनर फेस और ये क्या है? आउटर फेस। ये इनर फेस इसका, ये है आउटर फेस। इनर मतलब हुआ अंदर वाला सतह, आउटर मतलब हुआ बाहरी सतह। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस या टाइप्स ऑफ स्फेरिकल, कर्व को स्फेरिकल भी कहते हैं, टाइप्स ऑफ कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वक्र या गोलीय अपवर्तक सतह के प्रकार। ये कितने प्रकार का होता है? तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अवतल अपवर्तक सतह। ध्यान से देखना, अगर लाइट बाहर वाले फेस पर, अगर लाइट बाहर वाले फेस पर पड़ता है, या सॉरी पहले ये, अगर लाइट अंदर वाला फेस पर इधर पड़ा या तो फिर इधर पड़ा, तब इसको हम लोग कहते हैं अवतल अपवर्तक सतह। अगर बाहर वाला फेस पर पड़ा, चाहे इधर से चाहे इधर से, इसको हम लोग कहते हैं उत्तल। याद करो अवतल दर्पण में क्या होता था? अंदर लाइट जाता था, इनर सरफेस रिफ्रैक्टिंग था, आउटर कलई क्या रहता था? यहाँ कलई नहीं क्या रहेगा, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन होना है इसको, इसमें लाइट पार होना चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट है जैसा मिरर में पढ़े थे हम लोग, दर्पण में पढ़े थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता था? इनर फेस पर लाइट पड़ता था, आउटर फेस कलई क्या रहता था। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था? इनर फेस कलई क्या रहता था और आउटर फेस पर लाइट पड़ता था। नहीं, इसका मतलब अगर आउटर फेस पर लाइट पड़ेगा या लाइट इंसिडेंट होगा आउटर फेस पर, तब उसको कॉन्वेक्स कहेंगे। अगर इनर फेस पर इधर से या तो फिर इधर से लाइट पड़ेगा या इंसिडेंट होगा, तब इसको हम लोग कॉनकेव कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहाँ पर है टाइप्स ऑफ कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वक्र अपवर्तक सतह के प्रकार। ये आखिर में कितने प्रकार का होता है? वाजिब में ये दो प्रकार का होता है। पहला कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस अवतल अपवर्तक सतह, अवतल अपवर्तक सतह। दूसरा कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब उत्तल अपवर्तक सतह। ओके, अब तुम वीडियो को पॉज करो,
यहाँ से लेके यहाँ तक उतारो। हम थोड़ा हट जाते हैं, यहाँ पर टू लिखा है, चमकता होगा तो हट गए। अब तुम इसको वीडियो को पॉज करो और ऊपर से लेके यहाँ तक लिखो। लिख लिया होगा, चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग पहला पढ़ेंगे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। द कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वह वक्र अपवर्तक सतह, वह वक्र अपवर्तक सतह इन विच, जिसमें रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, इंसिडेंट आपतित होती है एट इनर फेस, आंतरिक सतह पर, इज कॉल्ड, कहलाता है कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखिए हिंदी में, वह वक्र, इसका पहला नंबर, अवतल अपवर्तक सतह, अवतल अपवर्तक सतह, लगा लिया हेडिंग। लिखिए, वह वक्र या गोलीय अपवर्तक सतह, वह वक्र या गोलीय अपवर्तक सतह जिसके आंतरिक सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे अवतल अपवर्तक सतह कहते हैं, उसे अवतल अपवर्तक सतह कहते हैं। तो पहला नंबर का फिगर बना लीजिएगा, ये हो गया आपका आउटर फेस, मतलब बाहरी सतह, और ये हो गया इनर फेस, मतलब आंतरिक सतह। ओके, अगर लाइट ऐसे आ रहा है किसी भी तरह से, कहाँ पड़ रहा है, इनर फेस पर, कहाँ पड़ रहा है, इनर फेस पर लाइट, प्रकाश इनर फेस पर पड़ रहा है, तब इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अवतल अपवर्तक सतह। चीजें समझ में आ गया, बहुत आसान है, तो फटाक से वीडियो को पॉज करो और पहला डिफिनेशंस लिखो, कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उसके बाद उसका एग्जाम्पल उतारो। पहला नंबर का एग्जाम्पल है, इसको उतारो, वीडियो को पॉज करो, पहला डिफिनेशंस लिखो, उसके बाद ये एग्जाम्पल उतारो। उतार लिया होगा,
सेकेंड, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, उत्तल अपवर्ती अपवर्तक सतह, उत्तल अपवर्तक सतह। पहला क्या था? अवतल अपवर्तक सतह। दूसरा क्या है? उत्तल अपवर्तक सतह। तो देखते हैं द कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वैसा वक्र रिफ्रैक्टिंग सरफेस इन विच, जिसमें रे ऑफ लाइट प्रकाश की किरण इंसिडेंट आपतित होती है एट आउटर फेस बाहरी फेस पर, इज कॉल्ड कहलाता है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, हिंदी वाले लिखेंगे वैसा वक्र अपवर्तक सतह, वैसा वक्र अपवर्तक सतह। हेडिंग लगा लो पहले, दूसरा नंबर का हेडिंग, हेडिंग नहीं लिखाए थे, लिखो उत्तल अपवर्तक सतह, उत्तल अपवर्तक सतह लगा लिया। अब लिखो वैसा वक्र या गोलीय, वैसा वक्र या गोलीय अपवर्तक सतह, जिसमें प्रकाश की किरण बाहरी सतह पर आपतित होती हो, उसे उत्तल अपवर्तक सतह कहते हैं। तो तुमने देखा ठीक आ गया, सॉरी, अंदर में नहीं, ये तुम्हारा क्या है? इनर फेस, आंतरिक सतह, और ये क्या है? आउटर फेस, आउटर फेस बाहरी सतह। अगर लाइट इंसिडेंस हुआ, ये लाइट मतलब प्रकाश बाहरी सतह पर आपतित हुआ, तब जो ये सरफेस है, इस सरफेस को क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, हिंदी में इसको उत्तल अपवर्तक सतह। तो दूसरा लिख लिया, बनाओ इसका फिगर, ये दूसरा का एग्जाम्पल दिए तुम्हें, ठीक है? चलिए, तो दो तरह का स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़े, एक कॉनकेव था और दूसरा क्या था? कॉन्वेक्स था। कॉनकेव में अगर अंदर फेस पर, आंतरिक फेस पर लाइट पड़ता था तो वो कॉनकेव था, अगर बाहरी फेस पर लाइट पड़ता था तो वो कॉन्वेक्स था। तो पहले हम लोग रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स का अर्थात सेकेंड नंबर का पढ़ेंगे, उसके बाद फर्स्ट नंबर का पढ़ेंगे। यानी हेडिंग देखिए आपके सामने है, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। फिर से सुनना है, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह द्वारा अपवर्तन। कैसा सतह लेना है?
उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह, इसका मतलब लाइट कहां पड़ना चाहिए, बाहरी फेस पर, कहां पड़ना चाहिए बाहरी फेस पर, उभड़ा हुआ जो फेस था उस पर लाइट पड़ना मस्ट जरूरी है। समझ में आ गया, कहीं कोई क्लियर नहीं है, लाइट जो पड़ने वाला है वो बाहरी फेस पर लाइट पड़ेगा, यह अटल सत्य है। तो गोलीय अपवर्तक सतह द्वारा अपवर्तन, इसमें देखिए बहुत सारे केस है, बहुत सारे केस है, एनसीईआरटी में एक केस दिया हुआ है मात्र। क्या क्वेश्चन सर वही पूछता है? नहीं यार, कुछ भी पूछ सकता है, यह मानते हैं सब एक ही जैसा है। कुछ केस हम बताएंगे उसके बाद आप खुद कर लोगे, और ये क्वेश्चंस इतना इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आइदर बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, कोई भी बोर्ड हो या नीट जेई कॉम्पिटिशन्स के लिए हो, सभी के लिए सो मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बच्चा पार्टी, अभी कर्व सरफेस इसी को यह डबल कर देंगे तो लेंस बन जाएगा, मतलब लेंस बनाने सीखेंगे। इसके बारे में अंडर 10 क्लास में, मिस गाइड 10 क्लास में दूर दूर तक आपको नॉलेज नहीं था। मिरर तो आपने, यानी रिफ्लेक्शंस तो आपने पढ़ा था, प्लेन मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, ये सब पढ़ा था, रिफ्रैक्शंस भी पढ़ा था प्लेन सरफेस पर, बट कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शंस आपने नहीं पढ़ा था, आपने लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शंस को पढ़ा था। लेकिन कर्व के से कर्व सरफेस भी अगर है तो उससे भी रिफ्रैक्शंस होता है, मीन्स डैट वहाँ पर भी इमेज फॉर्मेशंस होगा। प्लेन सरफेस पर कोई इमेज का फॉर्मेशन हुआ था, रियल इमेज, अपेरेंट डेप्थ, ये सब पढ़े थे ना हम लोग, थोड़ा बहुत इमेज बनता है प्लेन सरफेस पर, इमेज बनाना सीखे थे हम लोग, जब ऑब्जेक्ट रेयर में रहता है या ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर रेयर में रहता है और ऑब्जेक्ट डेंसर में रहता था, इमेज बनता था उसका, जहां ऑब्जेक्ट रहता था वहां दिखता नहीं था, तो वहां इमेज बनाने सीखे। अब कर्व सरफेस पर जो रिफ्रैक्शंस होगा तब कैसा इमेज बनेगा, इमेज सीखेंगे। जैसे हम लोग पहले प्लेन मिरर में हम लोग सीखे थे रिफ्लेक्शंस में इमेज बनाने के लिए, ठीक है, केस नहीं था ज़्यादा, उसी टाइप से प्लेन सरफेस पर रिफ्लेक्शंस जो हुआ तो उसके कारण से इमेज, जो अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ, अपेरेंट शिफ्ट करके पढ़ाए थे उसमें इमेज ही तो बना था, जैसे प्लेन मिरर में बना था उसी टाइप से प्लेन सरफेस में इमेज बना था। बना था कि नहीं बना था, एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ते जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग को, तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर कर्व सरफेस पर हम लोग रिफ्लेक्शंस पढ़े थे, परावर्तन पढ़े थे, जो कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आया था उससे इमेज बना था, बहुत सारे केस हुआ था। उसी टाइप से अब हम लोग प्लेन सरफेस पर रिफ्रैक्शंस को फिनिश्ड कर रखा है, अब कर्व सरफेस पर रिफ्रैक्शंस को पढ़ेंगे, इसलिए बने रहिए आप लोग। तो केस है इसमें, पहला केस क्या है, जैसे देखिए एक ये रफ कर रहे हैं, ये आपको पता है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका मतलब लाइट इधर से आना चाहिए, तो लाइट कहाँ से आएगा, ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट इधर रहना चाहिए। सपोज डैट ये कैसा सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, सरफेस है कॉन्वेक्स सरफेस है, ये तो गोला का पार्ट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका सेंटर होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका सेंटर होता है, मान लो इसका सेंटर यहाँ पर है, ओके। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट को रखे, कोई ऑब्जेक्ट को रखे, अच्छा ये बताइए ये रे गया, अगर यह सरफेस नहीं, चलिए उससे पहले देखिए ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस्ड कर सकते हैं, तो ये जो पार्ट है बाहर से
ये डेंसर मीडियम भी हो सकता है, और ये अभी रेयर भी हो सकता है विरल, और ये तब डेंसर होगा सघन, या तो ये डेंसर हो सकता है ये रेयर हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होगा। अभी जो है केस फर्स्ट में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, रेयर मीडियम में, कहाँ पर रख रहे हैं, रेयर मीडियम में, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी डेंसर हो सकता है। दो केस बन सकता है इसमें, कि एक बार ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में प्लेस कर सकते हैं, या दूसरे बार में डेंसर मीडियम में प्लेस कर सकते हैं। तो पहला हम लोग रेयर मीडियम में प्लेस कर रहे हैं, इसीलिए केस फर्स्ट में दिए हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, जब वस्तु विरल माध्यम में हो। पहला हम लोग केस बांटे कि जब वस्तु विरल माध्यम में हो, दूसरा केस पढ़ेंगे हम लोग जब वस्तु डेंसर मीडियम में हो, किसमें हो, डेंसर मीडियम में हो। देखिए ये टॉपिक्स जो है ना काफी उलझा हुआ टॉपिक है, अच्छे अच्छे टीचर इसको पढ़ाना नहीं चाहता है, या तो टूटे फूटे ढंग से इसको पढ़ा देता है, इसलिए आप लोग बने रहिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला नंबर जो है फॉर रियल इमेज, अब देखिए केस फर्स्ट में ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं हम लोग, रेयर मीडियम में, और इमेज बनेगा अब कहां पे, डेंसर मीडियम में, कहां पर इमेज बनेगा, डेंसर मीडियम में। अब इसमें भी फॉर रियल इमेज ए नंबर, यानी केस फर्स्ट का ए नंबर, केस फर्स्ट का ए नंबर फॉर रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। बच्चा पार्टी ध्यान से देखिए, इसको मिटाना चाहता हूं, ये मानो ये रेयर है और ये डेंसर है, ये कंडीशन सही, केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट को एक बार यहां पर रखे, हे यहां पर रखे, ये ऑब्जेक्ट है, एक बार ऑब्जेक्ट को यहां पर रखे, नजदीक रखे इसका, और ये दूर रखे, यानी इसको फोकस के अंदर रखे और इसको फोकस के बाहर, फोकस भी होता है इसमें, वो भी तुम्हें पढ़ाऊंगा। बच्चा पार्टी, पहला रे जो जाएगा यहाँ टकराया, अब किधर जाएगा डिसाइड करने के लिए नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल सेंटर से सरकमफ्रेंस पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं वही तो नॉर्मल होता है, मतलब यह रे नॉर्मल से 0 डिग्री एंगल पर जा रहा है, इसका मतलब इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, सीधे चला जाएगा। गाड़ी चला के देखो, दोनों चक्का एक के बार बालू में गया, सीधे चला जाता है, यानी यह रे सीधे चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब इमेज बनाने के लिए कम से कम कितना रे जरूरी है, तो आंसर क्या है, 2 रे कम से कम जरूरी है। तो एक रे तो हमने भेज दिया, दूसरा रे सपोज डैट इसको भेजा, ओ यहां आया, अब ये किधर जाएगा, अब ये किधर जाएगा, तो गाड़ी चला लो या नॉर्मल ड्रॉ करो, पहले नॉर्मल ड्रॉ करो यहां से, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, इसको जाना किधर चाहिए था, एकदम इसका ये पाथ है सीधे चले जाना चाहिए, लेकिन इसको बालू मिल गया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, चक्का जाम किया, टर्न मारा, चक्का जाम किया और ये टर्न मारा, यानी नॉर्मल की ओर झुकेगा, नॉर्मल की ओर ये झुक गया, इसका मतलब यहां पर कट हुआ, तो यहां पर इमेज बना, दोनों बोल्ड लाइन है, तो यह कैसा इमेज बना, रियल, कैसा बना, रियल इमेज बना, कैसा बना, तो आंसर क्या है, रियल बना। क्या सर वर्चुअल भी बन सकता है, जो केस लगा दिए आप फॉर रियल इमेज, हाँ बच्चा पार्टी, अब ये ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बना के देखिए, कहीं पर टकराना है इसको, आ इधर यहाँ भी टकरा सकते हो, अच्छा इसी जगह टकराते हैं,
कहीं पर भी टकरा सकते हो, दो रे कहीं पर भी यहीं टकराते हैं ताकि तुमको देखने को मिलेगा। आ आ आ आ गया रे, अब इसको किधर जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं? इस किरण का ये ओरिजिनल पाथ था, इसीलिए इसको बेंड किया है। कितना सा? इतना सा। अगर इतने सा इसको बेंड करेगा, जितना ये बेंड किया है, अगर उतने सा बेंड कि पूरा यहां से मोड़ के यहां ला देगा, ऐसा संभव नहीं है। जब फोकस के अंदर में रहेगा तो नॉर्मल से बहुत दूर होकर गुजरना चाहती है वो, लेकिन इसको बेंड करेगा रिफ्रैक्शन, मोड़ेगा नॉर्मल की ओर, तो क्या इसको मोड़ के पड़पड़ा के इधर कर देगा, इतना मोड़ देगा? नहीं, मानो जितना इसको मोड़ा, जो इसका पावर था कितना सा यह मोड़ पाया, तो ये भी इतना सा ही मोड़ेगा। इतना सा जब मोड़ेगा तो ये जो रे है, ये रे, ये ओरिजिनल वाला पाथ दिखाए थे, अब इसको मिटा देता हूँ, तो इस बार इसको ऐसे मोड़ दिया। पहले बार यानी ये किरण एक नंबर है, ये एक नंबर है, ओके। तो ये थोड़ा झुका हुआ जा रहा था, इसलिए इसको मोड़ा इस तरह से। ये किरण इधर जाना चाह रहा था, तो इसको क्या ऐसे करके इतना मोड़ देगा? पावर तो सेम है, तो इतना नहीं मोड़ पाता है। मोड़ा, ये जाना चाह रहा था इधर, लेकिन इसको मोड़ा थोड़ा सा, यानी ये दो नंबर किरण है, दो नंबर ऑब्जेक्ट के लिए, और ये मोड़ नहीं पाता है। तो इसका मतलब इधर इमेज नहीं बना पाएगा। तो इसको जब पीछे की ओर आंख लगा करके देखता है, पीछे की ओर, तब आके इमेज है यहाँ बना। तो यह कैसा इमेज बना? वर्चुअल। कैसा इमेज बना? वर्चुअल। इट मीन्स सर, सच में अगर ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा जाए, ऑब्जेक्ट को रेयर मीडियम में रखा जाए, तो रियल इमेज भी बन सकता है और साथ ही साथ वर्चुअल इमेज भी बन सकता है। रियल भी बन सकता है और वर्चुअल भी इमेज बन सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टू द पॉइंट लेके चल रहे हैं आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो पहला हेडिंग क्या था? उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह द्वारा अपवर्तन। तो बच्चा पार्टी उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें केस आ गया कि ऑब्जेक्ट को रेयर में रख सकते हैं या तो ऑब्जेक्ट को डेंसर में भी रख सकते हैं। इसलिए दो दो तरह की बातें हो रही है, इसलिए पहला केस लगा दिया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, जब वस्तु विरल माध्यम में हो। तो वस्तु को जब विरल माध्यम में रखा तो दो दो तरह का इमेज बन रहा था। एक जो फोकस के अंदर था वह वर्चुअल इमेज बना रहा था, यानी जो कर्व सरफेस के नजदीक था वह वर्चुअल इमेज बना रहा था, जो कर्व सरफेस से दूर था, बाद में सीखो कि फोकस से जब दूर था तब वह रियल इमेज बना रहा था। इसका मतलब दो दो तरह का केस यहाँ पर फिर से बिल्डअप हुआ, इसीलिए लिखा गया है फॉर रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस तरह से इसको मिटाता हूँ। तो फॉर रियल इमेज, तो लिखते हैं कंसीडर अबाउट ए कॉनवेक्स कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस
एक्स वाई विच सेपरेट्स टू मीडियम या विच सेपरेट्स रेयर एंड डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज पीस रिस्पेक्टिवली म्यू रेयर एंड म्यू डेंसर। ओके, ये एक्स है और ये वाई है, थोड़ा छोटा ही बनाता हूं, पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा। ये एक्स है और ये वाई है, तो ये डेंसर मीडियम है। पहला केस लिए हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है, रेयर मीडियम में। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, रेयर मीडियम में। पहला केस यही है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग को रेयर मीडियम में रखना है। तो फटाक से एक प्रिंसिपल एक्सिस खींच लो, ये पोल हो गया, इसका कहीं ना कहीं रेडियस होगा, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर करें। समझ में आया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहां पर रखो, ऑब्जेक्ट ये डेंसर मीडियम हो गया और ये रेयर मीडियम हो गया। ये कैसा मीडियम हो गया, रेयर, और ये डेंसर, विरल संघन। काय क्या कर रहा है, फॉर रियल इमेज, रियल इमेज के लिए नहीं। पहला केस में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन रेयर मीडियम, तो ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिए रेयर मीडियम में। अब हमको रियल इमेज बनाना है, क्या करना है, रियल इमेज, तो नजदीक नहीं लेंगे तो दूर लेंगे, क्या लेंगे, दूर, तब रे को बोड़ पाएगा, चूंकि झुका हुआ रे जाएगा थोड़ा और झुका देगा तो सट सकता है, अगर नजदीक से लेंगे तो फैला हुआ रेड़ जाएगा, उतना मोड़ नहीं पाएगा, ठीक है, तो वर्चुअल इमेज बन जाएगा। तब यहाँ पर रियल इमेज के लिए हमको लेना है, तो दूसरा रे लो यहां से, लिया। अब ये किधर जाएगा, तो क्या चाहिए, नॉर्मल, क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो ये लाइन तुम्हारा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। अब नॉर्मल से जो इंसिडेंट ले रे एंगल बनाएगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, आई। अब ये किधर जाएगा, जाना चाह रहा था एकदम इधर, क्या उधर जाएगा, नहीं, क्या उधर जाएगा, नहीं, गाड़ी चलाओ जाम किया, झुकेगा, मानो ये इधर ना जाके ये झुका, तो इस जगह इमेज बनाया आई। कैसा इमेज बनाइए, रियल, रियल, रियल मतलब वास्तविक। इसी के लिए केस निकालना है, मान के चलो कि ये जो रे भेजे हैं
ये रे अल्फा एंगल से गया है। अब ये देखो नॉर्मल के इंसिडेंट किया, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उसको आपतन कोण। अब ये नॉर्मल है, ये रे जो बेंड किया, ये जो बनाया इसको कहते हैं अपवर्तन कोण, जिसको आर से दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। मान लो ये नॉर्मल इमेज जो बना रहा है एंगल, इमेज ये बना रहा है बीटा, क्या बना रहा है बीटा, और ये नॉर्मल जो एंगल बना रहा है ये मान लो ये बनाया गामा, क्या बनाया गामा। देखिए आर और गामा में अंतर है, ये आर है और ये गामा है, ध्यान से देखो, ऐसे अगर लिखेंगे तो आर, ऐसे अगर लिखें तो गामा, ये आर है और ये गामा है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट से एक रे तो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर चला गया, जो सीधे गुजर गई, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रे जो है अल्फा डिग्री के एंगल पर भेजे, इंसिडेंट किया, जाना सीधे चाहिए था, सीधे नहीं गया, झुका और यहाँ पर आके रियल इमेज बना दिया, क्योंकि रियल इमेज के लिए केस पढ़ रहे हैं। अब नॉर्मल से जो ये एंगल बनाया ये आई, ये जो नॉर्मल से बनाया ये आर, मान लीजिए कि अल्फा एंगल से गया तो इमेज बनाया कितना पे, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस से बीटा एंगल पर है और नॉर्मल जो है प्रिंसिपल एक्सिस से गामा एंगल पर स्थित है, तो इमेज बन गया। तो वही बात लिखे है, कंसीडर ए कॉन्वेक्स कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक कॉन्वेक्स कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में विचार करें। देखो बाहरी फेस पर लाइट आ रहा है, कॉन्वेक्स है ये। कंसीडर अबाउट ए कॉन्वेक्स कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक्स वाई, एक्स वाई एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बारे में विचार करें, विच सेपरेट्स, जो सेपरेट करता है रेयर एंड डेंसर मीडियम, यानी ये सेपरेट करता है रेयर मीडियम को और डेंसर मीडियम को, यानी इधर डेंसर मीडियम है और इधर रेयर मीडियम है। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिस्पेक्टिवली म्यू आर एंड म्यू डी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर मान लिए, यानी रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबस्क्रिप्ट आर लगा दिए, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डी, यानी डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा सा डी लगाए, कोई दिक्कत। तो यहां तक लिखिए, लिख लिया, इसका हिंदी लिखो, ए नंबर जो लिखा है फॉर रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, उसके बाद हिंदी लिखो इसका, लिखाता हूं। लिखते जाओ लिखते जाओ। कोई एक्स वाई उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह के बारे में विचार करें, के बारे में विचार करें, जो विरल एवं सघन माध्यम को पृथक करता है, मतलब अलग करता है, को पृथक करता है, विरल माध्यम का अपवर्तनांक, विरल माध्यम का अपवर्तनांक म्यू आर, विरल माध्यम का अपवर्तनांक म्यू आर तथा डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक म्यू डी, सबस्क्रिप्ट में डी बोर्ड पर लिखे है। इतना में कहीं किसी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं,
मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, तो ये सब लिखना पड़ेगा। लेट ओ, लेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन कहाँ पे, रेयर मीडियम। होज रियल इमेज आई इज फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम एज सॉन इन द फिगर। माना कि कोई वस्तु, माना कि कोई वस्तु ओ विरल माध्यम में स्थित है जिसका जिसका वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब सघन माध्यम में चित्रानुसार निर्माण हुआ है या निर्मित हुआ है, चित्रानुसार निर्मित हुआ है। ओके, चित्रानुसार निर्मित हुआ है। ठीक है, वहां तक लिख लिया है, इसको मिटाता हूं। पहुंच करके चाहो तो वो भी लिख लो। ये फिगर होगा, फिगर के बाद ये है फिगर, यहां से लिखते लिखते यहां आया, ये सेकंड पेज हुआ, यानी इसके नीचे ये लिखेंगे। इसके बाद चलेंगे, यहां तक लिख लिया है, इसके बाद चलेंगे। मान लो इस पॉइंट को ये ओ है, ओ तो मान ही लिए हैं, क्यू है, एक लंब डाल रहे हैं यहां पर, ज्योमेट्री है पी डैश, क्यू पी डैश ड्रा परपेंडिकुलर क्यू पी डैश ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष पर, कहां पे, मुख्य अक्ष पर क्यू पी डैश लंब डाला, डाल दिए।
एजेप्शन से ले लेते हैं, फॉर स्मॉल एपर्चर, छोटे द्वारक के लिए अगर यह द्वारक इतना बड़ का इतना यूज हो रहा है, इतना नहीं लेके एकदम ये छोटा लेंगे, क्या लेंगे ये छोटा, तो यह लाइन काफी नजदीक आएगा, ये इंसिडेंट रे काफी नजदीक आएगा, नजदीक ये जब आएगा काफी तो ये अल्फा का मान कम होगा, यह नजदीक आएगा तो ये पी कहाँ चला जाएगा, पी डैश कहाँ पर चला आएगा, पी पर ही, तो हम लोग लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगल, छोटा छोटा द्वारक रहेगा तो पी डैश, पहला बात पी डैश लाइज ऑन पी, यानी पी डैश पी पर होगा, पहला बात, दूसरे एजप्शन है ये सब, और अल्फा क्या होगा, बहुत छोटा होगा, अल्फा जब छोटा होगा, जब यहाँ रे आ रहा है तो नॉर्मल से भी एंगल बनाएगा, ये देखिए ये आके यहाँ पर इंसिडेंट करेगा, यानी ये बहुत छोटा, तो इसलिए नॉर्मल भी यहीं खींचना पड़ेगा, तो ये भी छोटा, तो इसलिए इमेज का भी एंगल छोटा हो जाएगा, यानी फॉर स्मॉल एपर्चर, आपको हमेशा बताए थे कि स्मॉल एंगल स्मॉल एपर्चर के लिए ही एजप्शन लेते हैं, चाहे मिरर पड़े चाहे लेंस पड़े, हम लोग के जो सिलेबस में है, तो छोटे द्वारक के लिए पी डैश लाइज ऑन पी, पी डैश पी पर होगा, पहली बात, दूसरी बात अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा साथ ही साथ, तो यह जब इधर आएगा तो इंसिडेंट एंगल भी छोटा होगा, चूंकि नॉर्मल, ध्यान से देखना, ये लाइन जब यहां पर आएगा तो नॉर्मल खींचेंगे ये, तो ऑब्वियसली एंगल छोटा बनेगा, ये आई जैसे जैसे दूर जाएगा तभी बड़ा होगा, इसका मतलब है कि फॉर स्मॉल एपर्चर छोटे द्वारक के लिए पी डैश लाइज ऑन पी, पी डैश पी पर होगा, पहली बात, एंड अल्फा दूसरा, अल्फा बीटा गामा आई एंड आर इज वेरी स्मॉल, यानी अल्फा बीटा गामा भी छोटा होगा, यानी अल्फा बीटा गामा आई एवं आर बहुत छोटा होगा, यानी यह जो बात लगाए, अब जो इसका डेरिवेशंस करेंगे, इसका फॉर्मूला लाएंगे, वो सब क्या है, स्मॉल एपर्चर के लिए, जैसे ही स्मॉल एपर्चर का नाम लेगा तो क्या क्या हो जाएगा, पी डैश पी पर होगा, यानी ये पी डैश जो है ये पी पर होगा, पहली बात, दूसरी बात कि अल्फा बीटा गामा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल आर वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन अप्रोक्सीमेट 10 डिग्री, विच इज प्रैक्टिकल डाटा, हम लोग स्मॉल एंगल के लिए ही, यानी स्मॉल एपर्चर के लिए ही सारा कैलकुलेशंस करते हैं, जब स्मॉल एपर्चर एजप्शंस है, जब स्मॉल एपर्चर तभी कैलकुलेशन कर पाएंगे, अदरवाइज कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो यही है हमारे सिलेबस में, एक आइडिया दे रहा है, तो जैसे ही स्मॉल एपर्चर की बात होता है तो तुरंत सब कुछ स्मॉल हो जाता है, पहला तो पॉइंट पी, पी डैश पी पर होगा,
अल्फा बीटा गामा ये सब इंसिडेंट ले रिफ्रैक्टेड इंसिडेंट एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल सब छोटा हो जाएगा। तो सब कुछ छोटा है, ये समझ में आ गया आपको, लिखते जाइए आराम आराम से, क्योंकि ऐसा ही आठ आठ केस है, सब केस तो हम बताएंगे नहीं। इस तरह से ये हो गया। तो सब कुछ छोटा है, और जब छोटा एंगल देन तब जब छोटा एंगल रहता है तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर होता है, थीटा का, एवं यानी एंड टेन थीटा ये भी लगभग किसके बराबर होता है, थीटा का। ये सब ज्योमेट्री है छोटा एंगल के लिए, बताए भी हैं हम पीछे वीडियो में। साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है एवं टेन थीटा भी लगभग थीटा के बराबर होता है, यह बात हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जितनी बातें था ये सब यानी हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ के इमेज तो बना लिए, इमेज बना लिए, अब इसका कैलकुलेशंस करना है, अब इसका हम लोग को कैलकुलेशंस करना है। कैलकुलेशंस के लिए हम लोग छोटा द्वारक के लिए कैलकुलेशंस कर पाएंगे, अदरवाइज कैलकुलेशंस हम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे ही छोटा द्वारक होता है तो ये पी डैश पी पर होगा, पहली बात, अल्फा बीटा गामा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल आर वेरी स्मॉल, यानी एंगल जब बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा को आप लोग आप थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा को भी आप लोग थीटा लिख सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एजप्शंस है जो शुरू से ही करते आ रहे हैं, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इमेज ऑब्जेक्ट है इमेज बना, ऑब्जेक्ट है इमेज बना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को U से दिखाएंगे, यानी यहाँ सब डिस्टेंस को पोल से मापते हैं, ये U हो गया, यहाँ से यहाँ V हो गया, और ये सेंटर है, इसका मतलब ये रेडियस हो गया, यानी U भी पता चल गया, मानो U है ये, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, इमेज डिस्टेंस V और रेडियस ऑफ कर्वेचर R, तो ये भी मान लो। लेट माना U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी, ओके, और भी मान लिए इमेज डिस्टेंस, मतलब प्रति बीम की दूरी, और आर क्या मान लिए, रेडियस ऑफ कर्व्ड वक्र की त्रिज्या, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं, वक्रता त्रिज्या, सब कुछ मान लिए। अब इसके बाद चलते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शंस हो रहा है तो रिफ्रैक्शंस का लॉ लगाएंगे, कुछ नहीं करना है। जब रिफ्रैक्शंस होता है तो क्या करते हैं, रिफ्रैक्शंस का लॉ लगाते हैं। कौन दिया है लॉ, स्नेल्स ने, किसने दिया है, स्नेल्स ने, तो बाय स्नेल्स लॉ, मतलब स्नेल के नियम से,
ओके, लाल लगाने से पहले कुछ चीज तुम्हें हम दिमाग में देना चाहता हूं। मान लो एक त्रिभुज है ये, ये 30 डिग्री है, ये 20 डिग्री है, बोलो तो ये कितना होगा? ये अंतः कोण हो गया और ये बाहरी कोण होगा। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग थीटा कितना होगा? थीटा बराबर हो जाएगा 50। ज्योमेट्री जानते हो ना, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू एक्सटेरियर एंगल। फिर से सुनना, द सम ऑफ, एक थ्योरी है, देखो थ्योरी क्या है, मैथ में पढ़ा होगा तुम लोग अंडर 10 में। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रेंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटेरियर एंगल। किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यह बात आप लोग जान रहे हैं। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, कैसे लगाते हैं? जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका एंगल साइन के साथ, म्यू आर साइन आई बाय जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका एंगल साइन के साथ साइन आर। तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू डी बाय म्यू रेयर। ओके, छोटा एंगल है साइन और आर, नहीं तो लिख रहे हैं फॉर स्मॉल एंगल, छोटे कोण के लिए साइन आई लगभग किसके बराबर होगा? आई का। एंड साइन आर लगभग किसके बराबर होगा? आर का। तो हम लोग लिख सकते हैं आई बाय आर इज इक्वल टू म्यू डी बाय म्यू रेयर। अब यह आई कितना है? आई कितना है ये देखेंगे। इक्वेशन मान लो फर्स्ट, इन ट्रेंगल ओ सी, ओ सी क्यू, ध्यान से देखो, ओ सी क्यू, ओ सी क्यू इस ट्रेंगल में ले रहे हैं। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होता है, इसका मतलब आई बराबर अंतः कोण अल्फा प्लस गामा। अब हमको आर निकालना है, ये आर देखो त्रिभुज ले रहे हैं, क्यू सी आई ये वाला त्रिभुज, यानी आर प्लस बीटा बराबर गमा हो जाएगा, अंतः कोण हो गया ये त्रिभुज, ये त्रिभुज जो है ना त्रिभुज, ये अंदर में कौन है, ये भी अंदर में कौन है और ये बाहर में कौन है, तो दो अंतः कोणों का योग बाहरी कोण के बराबर होगा। इन ट्रेंगल सी आई
क्यू, सी आई क्यू, ईस्ट एंगल में ले रहे हैं, यानी आर प्लस बीटा बराबर गमा, आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गमा। आर और गमा में अंतर है, देखो ये था गमा, ये है गमा, तो इस जगह हम लोग आर बराबर लिख सकते हैं गामा माइनस बीटा, आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं गामा माइनस बीटा। पुट करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं आई बाय आर बराबर आई, आई का मान निकाल लिए अल्फा प्लस गामा, पुट करो अल्फा प्लस गामा बाय आर के जगह पर गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा बराबर म्यू डी बाय म्यू आर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो पहुंच करके इसको, यहां से लेकर के ये, फिर यहां से लेकर के यहां तक नोट कर लो, मिटाता हूं इसको, पॉज करो, पॉज करके नोट करो। अब देखो कोना कोनी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आ जाएगा म्यू आर अल्फा प्लस म्यू आर गामा बराबर, इधर से भी करो म्यू आर गामा, म्यू आर गामा माइनस म्यू म्यू डी गामा, म्यू डी गामा, म्यू डी गामा माइनस म्यू डी बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब स्मॉल, अल्फा बीटा गामा सब स्मॉल है, तो फिर से फॉर स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए छोटा एंगल है तो टेन थीटा को हम लोग लगभग थीटा के लिख सकते हैं, इसका मतलब थीटा किसके बराबर, टेन थीटा का, यानी अल्फा किसके बराबर होगा, लगभग टेन अल्फा का कोमा बीटा लगभग बराबर होगा, या बराबर लिख दो ना, टेन बीटा का एंड गामा लगभग बराबर होगा टेन गामा का, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे लिखिए म्यू आर अल्फा के जगह पर टेन अल्फा प्लस म्यू आर गामा के जगह पर टेन गामा बराबर म्यू डी गामा के जगह पे टेन गामा माइनस म्यू डी बीटा के जगह पर
टेन बीटा, कोई दिक्कत? तो म्यू आर रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेन अल्फा, टेन अल्फा लो, ये ट्रेंगल तुमको नजर आ रहा है, ये टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाय बी, पी का मतलब क्यू पी डैश, लेकिन छोटा द्वारक है, पी डैश पी पर रह रहा है, यानी क्यू पी, क्यू पी बाय पी ओ प्लस म्यू आर गमा, ये गमा लो, ये ट्रेंगल में P बाय बी, पी का मतलब क्यू पी, क्यू पी बाय बी का मतलब पी सी बराबर म्यू डी टेन गामा, टेन गामा का मान अभी तुरंत लिखे हैं, क्यू पी बाय पी सी माइनस म्यू डी टेन बीटा, बीटा लो, ये ट्रेंगल में P बाय बी, P का मतलब क्यू पी बाय बी का मतलब पी आई, पी आई, ओके। ये कॉमन लेके खत्म, तो आपके पास आया म्यू आर बाय पी ओ प्लस म्यू आर बाय पी सी म्यू डी बाय पी सी माइनस म्यू डी बाय पी आई बाय यूजिंग साइन कॉन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर, यहां तक हो गया, अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग करो। पीओ क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लाइट आ रहा है इधर और हम जा रहे हैं इधर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगा, लाइट जा रहा है इधर, हम जा रहे हैं इधर, उल्टा चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगा। तो म्यू आर बाय पीओ के लिख सकते हैं माइनस यू प्लस म्यू आर बाय पी सी, पी सी लाइट इधर आ रहा है, हम भी इधर आ रहे हैं, पी सी मतलब आ रहा है, रेडियस है, आर प्लस में हो गया बराबर म्यू डी, म्यू डी बाय पी सी, पी सी आर है प्लस में होगा माइनस म्यू डी बाय पी आई, पी आई, पी आई इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस को हम लोग भी से दिखाते हैं, प्लस होगा, रियल इमेज बन रहा है इस साइड में, तो आर आर वाला को एक साइड कर लेते हैं, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, म्यू डी बाय भी माइनस म्यू आर बाय यू, ये माइनस है, म्यू डी बाय आर ये प्लस है तो इधर आके म्यू आर बाय आर,
तो म्यू डी बाय भी माइनस म्यू आर बाय यू, आर एलसीएम आ जाएगा, म्यू डी माइनस म्यू आर, ये रिलेशंस निकल गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ स्फेरिकल सरफेस के बीच रिलेशन निकल गया। इट इज द रिलेशन रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यह वस्तु की दूरी, प्रतिम की दूरी एवं आर में संबंध है। ओके, अब तुम समझो, अगर म्यू आर को अगर तुम वन मान लो, म्यू वन, और इसको मान लो म्यू टू, कोई कोई बुक में ये नोट करके लिख लो, एग्जाम में नहीं लिखना, यहीं तक हो गया। इफ अगर म्यू वन यानी म्यू आर को कह दिए म्यू वन एंड और म्यू टू को कह दिए म्यू डी को कह दिए क्या म्यू टू, तब फॉर्मूला कैसा आएगा, म्यू टू बाय भी माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। एक ही चीज यही है, घबराना नहीं, बुक में ऐसा भी मिलता है, बुक में ऐसा भी मिलता है, घबराना नहीं, ठीक है। इस तरह से इसको नोट कर लो, ये पहला केस हो गया, पॉज करो वीडियो को और लिखो।